दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह इमरजेंसी में कुछ पैसों की आवश्यकता आ पड़ी है तो भाई आप इधर साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस लोन एप्लीकेशन में हमारा जो लोन है भाई 10,000 रुपये का अप्रूव हुआ है, जिसके अंदर मैंने 3,000 रुपये का यहाँ पर इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पर 3,000 रुपये की ही आवश्यकता थी, मुझे एक्स्ट्रा पैसा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से अगर आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन ले रहे हैं तो भाई उस एप्लीकेशन के जो चार्जेस है भाई थोड़ी बहुत ज्यादा होते हैं, तो भाई मुझे क्यों ज्यादा चार्ज देना, मुझे यहां पर 3,000 रुपए की आवश्यकता थी तो मैंने 3,000 रुपए का लोन इस एप्लीकेशन से ले लिया है। अब देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि मेरा 10,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है तो भाई इस एप्लीकेशन से आपका भी 10,000 रुपए का ही लोन अप्रूव होगा। यहां पर आपका 3,000 रुपए का लोन भी अप्रूव हो सकता है, 5,000 रुपए का लोन अप्रूव भी हो सकता है, या फिर 20-25-30,000 रुपए का भी लोन अप्रूव हो सकता है। किसी व्यक्ति की डिटेल्स अलग होती है तो हर व्यक्ति का जो लोन अमाउंट का ऑफर है वो अलग अलग निकल कर आ सकता है। हमारे केस के अंदर भाई ये एप्लीकेशन आधार पैन कार्ड के बेसिस पर हमें 10,000 रुपए का लोन ऑफर दी है, जिसमें से मैंने यहां पर भाई 3,000 रुपए ले लिए हैं। अब आप यहां पर देखेंगे तो भाई ये जो 3,000 रुपए का टाइम है वो मुझे यहां पर 3 महीने का दिया गया है कि 3,000 रुपए भी भाई मैं यहां पर 3 महीने तक वापस लौटा सकता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो भाई यहां पर 3% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है। एनुअल बात करें तो 36% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है। भाई मैंने पहले बताया, आधार पैन कार्ड के बेसिस पर अगर कोई भी एप्लीकेशन लोन देती है तो चार्जेस थोड़े यहाँ पर ज़्यादा ही रहेंगे। ईएमआई की बात करो तो भाई यहाँ पर महीने 1,090 रुपये की हमारी ईएमआई बनने वाली है। जीएसटी चार्जेज है भाई 500 रुपये है। टोटल रिपेमेंट हमें जो करना होगा वो 3,270 रुपये करना होगा, यानी कि 3,000 रुपये का लोन मिला है और 3,270 रुपये का रिपेमेंट करना होगा। हर महीने की 10 तारीख को हमारी ईएमआई यहां पर बनेगी। हम यहां पर एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करके भाई जो ये लोन का पैसा हमारे खाते में इजीली ले लेंगे। तो भाई बने रहे इस वीडियो में, कौन सी ये लोन एप्लीकेशन है, किस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कितने से कितने रुपए का ये एप्लीकेशन लोन दे सकती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, कितना टाइम एंड कितना ट्रेन्योर मिलेगा, भाई ए टू जेड प्रोसेस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हम मोबाइल के प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और फिलहाल एप्लीकेशन को मैंने छिपाया हुआ है, जो कि भाई मैं हर वीडियो में छिपाता ही छिपाता हूँ और इसका कारण भी आपको पता होगा। अगर पहले ही एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ वीडियो की शुरू में ही आपको बता देता हूं, लोग वीडियो का प्रोसेस अच्छे से देखते नहीं है, अच्छे से समझते नहीं है, डायरेक्ट बिना सोचे समझे ही लोन के लिए अप्लाई करते हैं। कौन सी जगह पर क्या फिल करना है उनको पता ही नहीं होता और भाई नतीजा कुछ गलती करके उनका जो लोन है भाई रिजेक्ट हो जाता है, फिर कमेंट सेक्शन में आकर इधर उधर की बातें बोलते रहते हैं। तो मेरे भाई लोगों, 5-7 मिनट का टाइम निकाल ली, वीडियो का प्रोसेस एक बार अच्छे से देख ले, अच्छे से समझ ले, अदरवाइज एप्लीकेशन का नाम तो वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के अंत में मैं आपको बताई दूंगा। अगर भाई आपको जल्दी है और वीडियो स्किप कर करके देख रहे हैं तो भाई अभी आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। मैं आपको अभी बता दूं, आपको लोन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो भाई पहले वीडियो का प्रोसेस अच्छे से देखकर ही लोन के लिए अप्लाई करें ताकि आपका जो लोन है भाई अप्रूव यहां पर हो जाए। तो एप्लीकेशन को भाई प्ले स्टोर पर देखेंगे तो यहां पर 4.5 की यहां पर रेटिंग मिली हुई है, जो कि काफी जबरदस्त रेटिंग है। आपको पता होगा अगर 4+ किसी भी एप्लीकेशन को रेटिंग मिली हुई है तो भाई लोन देने के चांसेस काफी ज्यादा यहां पर इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस एप्लीकेशन को तो 4.5 की यहां पर रेटिंग मिली हुई है। यहां पर हम डाउनलोडिंग की बात करें तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं 1,000,000+ लोगों ने एप्लीकेशन को यहां पर डाउनलोड किया हुआ है। यहां पर आप भाई अबाउट सेक्शन में आकर भी देख सकते हैं एप्लीकेशन के चार्जेस वगैरह। एप्लीकेशन भाई आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज के सभी रूल एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करते हुए आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो अबाउट सेक्शन में आकर देख सकते हैं कितनी चार्जेस लेगी, कितने से कितने रुपए का लोन देगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी, ये भाई हम यहां पर लाइव अप्लाई करके देखेंगे। क्यों अबाउट सेक्शन में जाकर हम वीडियो की लेंथ बढ़ाए तो हां, तो भाई हमारी जो एप्लीकेशन है यहां पर डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुकी है। अब सिंपली इस एप्लीकेशन को हम यहां पर ओपन कर लेते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे तो हमारे सामने भाई एप्लीकेशन यहां पर ओपन हो रही है और सबसे पहले हमारी लैंग्वेज हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है, तो भाई मैं यहाँ पर इंग्लिश के बाद ही क्लिक करूंगा, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा। एप्लीकेशन में सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर परमिशन दूंगा तो नीचे यहाँ पर ये चेकबॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस चेकबॉक्स पर मैं क्लिक करूंगा, एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर भाई देख सकते हैं साइन विथ गूगल। सिंपली मैं साइन विथ गूगल पर क्लिक करूंगा। मेरे मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडी भाई लगी हुई है वह सारी ईमेल आईडी मुझे यहाँ पर शो हो चुकी है और किसी एक ईमेल आईडी को मैं इस एप्लीकेशन में यहाँ पर मैं सक्सेसफुल यहाँ पर रजिस्टर कर लूंगा। तो चलिए दोस्तों, एक ईमेल आईडी पर मैं पर क्लिक करूंगा तो हमारी जो ईमेल आईडी है इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुल यहां पर रजिस्टर हो चुकी है। सभी चीजों को हम यहां पर परमिशन देंगे। अब भाई आप यहां पर देख सकते हैं योर डिटेल के अंदर आपके पैन कार्ड पर जो आपका डिट्टो नेम है वो डिट्टो नेम भाई आप यहां पर फिल करेंगे एंड मोबाइल नंबर आप यहां पर डालेंगे। अब ध्यान रहे, लोग जो गलती करते हैं फर्स्ट टाइम में भाई लोग गलती कर देते हैं, उनका जो लोन है भाई डिसअप्रूव हो जाता है। तो मोबाइल नंबर में भाई आपको वही मोबाइल नंबर इस एप्लीकेशन में फिल करना है जो कि आपके आधार एंड पैन कार्ड से लिंक हो और हो सके वहां तक आपके बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है वही
मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है ताकि आपके लोन अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर हो जाए। तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पर फिल करेंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी, OTP से हमारे मोबाइल नंबर को हम वेरीफाई करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप इस एप्लीकेशन के सारे अपडेट वगैरह आप अपने व्हाट्सअप पर भी पाना चाहते हैं। अगर पाना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं पाना चाहते हैं तो भाई इस चेकबॉक्स पर आप क्लिक नहीं करेंगे। तो हम तो पाना चाहते हैं, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगी, OTP को हम यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं OTP फिल करके एप्लीकेशन के अंदर हम यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुके हैं और एप्लीकेशन का भाई सबसे पहला इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन में आप पर्सनल लोन लेने के अलावा और भी काफ़ी सारी सर्विसेज में आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई किसी भी प्रकार का बिल पे आप यहाँ पर कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। तो भाई पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर एक लोन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे अप्लाई फॉर विद माई शुभ लाइफ लोन पर क्लिक करके भाई आप यहां से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहां पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहां पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब आप यहां पर देखेंगे भाई आपके पैन कार्ड के जो नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आप यहां पर फिल कर देंगे एंड आपके पैन कार्ड पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर डाल देंगे एंड आपके जो एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड भाई आप यहां पर फिल करेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए भाई पैन कार्ड की डेट डालकर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं भाई आप यहां पर एलिजिबल पेज पर यहां पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप अपना जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो एम्प्लॉयमेंट टाइप यहां पर चुन लेंगे। तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन सैलरी पर्सन को भी लोन प्रोवाइड करवाती है और भाई यहां पर सेल्फ एम्प्लॉय को भी यहां पर लोन प्रोवाइड करवाती है। लेकिन भाई अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपके लोन अप्रूवल के चांसेस काफी ज्यादा यहां पर हाई हो जाएंगे और अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप यहां पर सैलरी पर्सन पर ही क्लिक करेंगे। बेसिकली अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी भी काम के बदले आपके खाते में पर मंथ पैसा क्रेडिट होता है तो आप यहां पर सैलरी पर्सन चुन सकते हैं या फिर भाई आप सैलरी पर्सन नहीं है तो आप यहां पर सेल्फ एम्प्लॉय तो चुनेंगे ही चुनेंगे। इसके बाद में भाई आप यहां पर देख सकते हैं आपकी मंथली इनकम, भाई आपकी मंथली इनकम आप यहां पर डाल देंगे। ध्यान रहे आपको यहां पर किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ी सी जो मंथली इनकम है थोड़ी सी आपको बढ़ा चढ़ा कर यहां पर फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप भाई 15,000 या फिर 10,000 रुपए कमा रहे हैं तब भी आपको 20-25,000 रुपए आपको अपनी मंथली इनकम यहां पर फिल करनी है। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस, भाई जो काम कर रहे हैं XYZ कोई भी आप काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए कितना टाइम हो गया आपको, 2 साल 3 साल 5 साल जितना टाइम भी हो गया है वो टाइम आप यहाँ पर साल के अंदर यहाँ पर फिल करेंगे एंड मंथ के अंदर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में भाई आप यहाँ पर कंपनी का नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। तो भाई कंपनी का जो भी आपका कंपनी का नेम है प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी का नेम आप यहाँ पर फिल कर देंगे या फिर आप ऊपर अगर सेल्फ एम्प्लॉय चुन रहे हैं तो भाई आप अपनी शॉप का नेम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय तो भाई कोई भी जैसे शॉप वगैरह है, परचून की शॉप है, दुकान है, उसका नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये तीनों चारों चीज बेसिकली चीजें हैं वो आप यहां पर फिल करेंगे एंड गेट लोन ऑफर पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए भाई जैसे आप गेट लोन ऑफर पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पैन कार्ड की डिटेल है वो थोड़ी देर यहां पर वेरीफाई की जाएगी एंड फाइनल आपको यहां पर बता दिया जाएगा कांग्रेस यू आर एलिजिबल अवेल लोन विद माई शुभ लाइफ, यानी कि भाई आपकी डिटेल के आधार पर आप लोन पाने के लिए एलिजिबल है। अगर आप इस एप्लीकेशन में लोन पाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका यहीं पर आकर आपका जो लोन है भाई रिजेक्ट यहां पर कर दिया जाएगा। तो हम यहां पर थोड़ी देर का वेट करेंगे एंड फाइनल यहां पर नीचे अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे तो नेक्स्ट पेज में साफ साफ लिखा हुआ है एलिजिबल प्रोडक्ट छोटा लोन क्विक अप्रूवल, यानी कि भाई इस एप्लीकेशन से हम यहां पर 3,000 रुपए से लेकर पूरे 10,000 रुपए का लोन पा सकते हैं वो भी 3 से 4 महीने तक के टाइम पीरियड तक। तो भाई हम यहां पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते ही अब आप यहां पर देखेंगे आपको अपना जो एड्रेस है वो यहां पर वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर अपना जेंडर चुन लेंगे कि आप मेल है या फिर फीमेल है। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं करंट टाइप ऑफ रेजिडेंशियल, तो भाई आपका जो करंट रेजिडेंशियल टाइप है वो आप यहां पर चुनेंगे कि भाई प्रेजेंट टाइम में आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो आपको खुद का घर है तो आप यहां पर ओनर चुन लेंगे या फिर आप कोई किराए वगैरह पर रह रहे हैं तो आप यहाँ पर भाई रेंट वगैरह आप यहाँ पर चुन लेंगे। आप प्रेजेंट एड्रेस में जितने समय से रह रहे हैं वो समय ये वो टाइम आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपका जो होम नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। स्ट्रीट नेम यानी कि आपके जो एड्रेस है उसके आसपास में कोई प्रसिद्ध जगह है उसका नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। कुल मिला के भाई आपका जो एड्रेस है आधार कार्ड पर वो प्रॉपर एड्रेस आप इस पेज पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। भाई अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोन वाले पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि भाई आप 3,000 रुपए से लेकर पूरे 10,000 रुपए का लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस स्क्रॉल बार को आप कम ज्यादा करेंगे तो भाई आप यहाँ पर 5,000 का लोन भी ले सकते हैं, 10,000 का लोन भी ले सकते हैं या फिर 3,000 रुपए का लोन भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपको जितने अमाउंट का लोन है वो अमाउंट आप यहाँ पर फिक्स सुनेंगे। ट्रेन्योर पर आप क्लिक करेंगे भाई आप 2 महीने से लेकर 4 महीने तक का
टाइम पीरियड इस लोन को वापस चुकाने का ले सकते हैं। इसके बाद में आप लोन पर्पज यहाँ पर चुन लेंगे, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में से एक अच्छा सा लोन पर्पज आप यहाँ पर चुन लेंगे, जैसे मेडिकल, एजुकेशन, मेरिड, या फिर आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्पज है लोन लेने का, वो पर्पज आप यहाँ पर चुनेंगे। इसके बाद में अकाउंट होल्डर नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है, वो बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। आईएफएससी कोड आप यहाँ पर डालेंगे, सेव एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद भाई आप एड्रेस प्रूफ पर आ चुके हैं, एड्रेस प्रूफ पर आप क्लिक करेंगे। एड्रेस प्रूफ पर क्लिक करते ही भाई आपको आधार कार्ड के थ्रू अपनी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी, तो आधार बेस केवाईसी पर आप क्लिक करेंगे। आधार नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे, आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं आधार नंबर फिल करके आप जैसे प्रोसीड करेंगे तो आधार जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे अब तो आपके आधार के थ्रू आपकी जो केवाईसी है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि ओके का चिन्ह यहाँ पर आ चुके हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई फॉर लोन पर फाइनल क्लिक करेंगे एंड रिव्यू के तौर पर भाई आपकी जो लोन है वो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हमारे जो लोन है भाई हम यहाँ पर 3,000 रुपये का ले रहे हैं, टर्नओवर है, मंथ है, टाइम है, कितना जीएसटी चार्जेज है, जो कि सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो के शुरू में यहाँ पर बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे एंड एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर जैसे एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी देर का वेट करना होगा, लगभग एक मिनट का वेट करने के बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपके सामने लोन एग्रीमेंट यहाँ पर खुलकर आ जाएगा, इसी के साथ में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी आप यहाँ पर नीचे फिल करके वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लोन एग्रीमेंट है यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों नीचे हम यहाँ पर ओटीपी फिल करेंगे एंड वेरीफाई के बटन पर क्लिक करके हमारा लोन एग्रीमेंट कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में ऑटो नच हम सेट करेंगे, तो ऑटो नच भाई बेसिकली हम दो तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपने जो खाता दिया है लोन का पैसा लेने के लिए उसी खाते से आपकी जो ईएमआई है वो पर मंथ ऑटोमेटिकली कट सके। भाई किस्त देने के लिए आप इधर उधर थोड़ी जाएंगे, आपके खाते से ये किस्त कट जाए तो आपको ऑटो नच यहाँ पर सेट करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो नच भाई आप दो तरीके से यहाँ पर सेट कर सकते हैं, एक तो नेट बैंकिंग पर क्लिक करके कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड पर क्लिक करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे तो आपकी नेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे, एक ओटीपी से वेरीफाई करके आप ऑटो नच अपने खाते से यहाँ पर सेट कर लेंगे, या फिर डेबिट कार्ड आप यहाँ पर चुनते हैं तो डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट है, डेबिट कार्ड के नंबर वगैरह है वो डालकर आप ऑटो नच अपने खाते से सेट कर लेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। फाइनल आप यहाँ पर देखेंगे आपके खाते से जो ऑटो नच है वो यहाँ पर सेट यहाँ पर हो चुका है और कंप्लीटली आपका लोन यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है, यहाँ पर थैंक यू लिखकर आ चुका है। फाइनल दोस्तों आधे से एक घंटे के अंदर जो लोन का पैसा है आपके खाते में आपको इजिली देखने को मिल जाएगा। अब भाई हम यहाँ पर फाइनल लोन एप्लीकेशन का नाम जान लेते हैं कि लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हम प्ले स्टोर पर वापस आ चुके हैं और प्ले स्टोर पर अगर आपको टाइप करना है माई शुभ लाइफ टाइप करेंगे तो कुछ इस प्रकार का लोगो आपके सामने बनकर आ जाएगा। सिंपली इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस मैंने इस वीडियो में दिखा दिया है। दोस्तों एप्लीकेशन अच्छी है, काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, काफी अच्छी डाउनलोडिंग है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के सभी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा फिर भी आपको और भी कोई कंफ्यूज या फिर सवाल जो है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी जय हिंद, वंदे मातरम।